दोस्तों आज के वीडियो में रहेंगे दो ऑडियो बोर्ड, जो क्या एक आता है आहूजा की ओर से और दूसरा आता है अपना लोकल मार्केट से मेड इन दिल्ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानना है दोनों ऑडियो बोर्ड में क्या कुछ डिफरेंस है और क्या साउंड क्वालिटी को लेकर के क्या फ़र्क है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ही ऑडियो बोर्ड आपके सामने हैं, जो कि वाइट वाला है जिसमें के कनेक्शन लगे हुए हैं ये आहूजा का ओरिजिनल है, और दूसरा जो आप ये देख रहे हैं ये कॉपी ड्राइवर बोर्ड है, कॉपी ऑडियो बोर्ड है जिसमें के कनेक्शन नहीं लगे हुए हैं, ये एक कॉपी ड्राइवर बोर्ड है। दोस्तों ऑडियो बोर्ड खरीदने से पहले मन में एक सवाल आता है कि हमारा एम्पलीफायर आहूजा का ओरिजिनल है और ओरिजिनल हमें ड्राइवर बोर्ड नहीं मिल रहा है, तो क्या हम इसमें एक कॉपी ड्राइवर बोर्ड लगा दें तो क्या हमें साउंड क्वालिटी सेम मिल पाएगी या नहीं, जैसे कि हमारा एम्पलीफायर पहले बजता था। दोस्तों ये सब जानने के लिए हमें पहले ऑडियो बोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा, कंपोनेंट्स किस क्वालिटी के लगे हुए हैं और कैसे हैं। तो दोस्तों जो आहूजा ये कंपोनेंट्स लगाता है, ये सब लगभग कंपोनेंट्स मतलब इंपोर्ट किए हुए होते हैं, जैसे मेड इन चाइना भी होते हैं और ट्रांसटर जो है यूरोपियन के लगाता है, ज़्यादातर यूरोप के होते हैं। तो आहूजा जो भी अपने कंपोनेंट्स लगाता है, जो भी ऑडियो बोर्ड में ये पूरे एम्पलीफायर में माल लगाता है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल होता है, आहूजा की क्वालिटी में कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आप देखेंगे ऑडियो बोर्ड, इसमें कुछ कंपोनेंट्स इंडियन हैं और कुछ चाइना के हैं, तो दोनों मिलकर के बनाया जाता है, बनता ये इंडिया में ही है, मतलब पीसीबी को जो भरा जाता है वो अपने इंडिया में ही भरा जाता है, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट्स हैं जैसे रेजिस्टेंस हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस हैं, कार्बन रेजिस्टेंस हैं और कैपेसिटर हैं, ट्रांसटर तो चाइना के लगाते हैं ज़्यादातर, चाइना या यूरोप का, कोई ज़्यादा अच्छा लगाना चाहता है तो वो ट्रांसटर दोस्तों यूरोप में बनता है या जापान में, जो दुनिया के बेस्ट ट्रांसटर हैं वो बनते हैं यूरोप और जापान में, चाइना में भी अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आहूजा का ऑडियो बोर्ड तो अपनी क्वालिटी में बेस्ट है ही, उसमें कोई शक नहीं। तो जानते हैं थोड़ा कॉपी ड्राइवर बोर्ड में, जो ये कॉपी ऑडियो बोर्ड है मेरे पास, इसमें क्या कुछ सेम है उसके जैसा और क्या कुछ डिफरेंस है। तो दोस्तों सबसे पहला जो सेम है वो है इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बिल्कुल डिक्टो सेम है, और दूसरा इसमें कंपोनेंट्स की वैल्यू, मान लो कोई रेजिस्टेंस उसमें 100 ओम्स की लगी हुई है तो सेम 100 ओम्स की इसमें लगाई गई है, क्योंकि ये दोनों सेम डिज़ाइन किए गए हैं, बिल्कुल एकदम कॉपी है डिक्टो आहूजा का। और ये आप जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं IP3951 या IP कोर ट्रांसफार्मर है, ये मेड इन इंडिया है इस बोर्ड में, और इसमें लगाए गए कैपेसिटर कैल्ट्रॉन के हैं, ये भी मेड इन इंडिया हैं, और तीसरा एक प्रीसेट, बस ये तीन आइटम इसमें मेड इन इंडिया हैं दोस्तों, और बाकी के जितने भी इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर हैं और डायोड्स हैं, रजिस्टर हैं, ये सभी कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, और इनको कोई भी मंगवा सकता है, कोई भी अपना ऑडियो बोर्ड बना सकता है, अपना पीसीबी कोई भी भर लेगा डायग्राम देख करके। तो दोस्तों अगर एक दूसरे की जगह पर आप लगाना चाहते हैं ऑडियो बोर्ड को, आहूजा की जगह मान लो आहूजा का सेम नहीं मिलता है, न्यू डायोड बोर्ड आपको कहीं कहीं नहीं मिलता है, कुछ लोग काफ़ी दूर से होते हैं कमेंट्स करते हैं, तो वो इस कॉपी ड्राइवर बोर्ड को भी लगा सकते हैं, साउंड क्वालिटी को लेकर के कोई खास फ़र्क नहीं आएगा, लगभग सेम ही आएगी। क्योंकि बाकी सब उसमें एम्पलीफायर में आहूजा का लगा हुआ है, अगर आप ऑडियो बोर्ड सिर्फ ऑडियो बोर्ड चेंज कर देंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप सभी सामान लोकल लगाएंगे तो आपको बहुत हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा एम्पलीफायर के अंदर, वो होता है कि साउंड क्वालिटी को लेकर, जैसे साउंड आहूजा की आप सुनेंगे तो आहूजा के एम्पलीफायर की साउंड हमेशा आपको मीठी सुनाई देगी अच्छी, और वहीं दूसरी ओर आप एक लोकल एम्पलीफायर की सुनेंगे, दोनों को एक साथ सुनेंगे तभी ये फ़र्क महसूस होगा, उसकी साउंड हल्की सी फीकी होगी, वो अच्छा नहीं बजेगा, बस यही हल्का सा डिफरेंस है कॉपी और ओरिजिनल में, कोई खास डिफरेंस नहीं आए। और कॉपी भी ये बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, जो आप ये ऑडियो बोर्ड मेरे हाथ में देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है, कॉपी में भी लोकल ड्राइवर बोर्ड है लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसमें जो कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं वो कैल्ट्रॉन के हैं, ये काफ़ी नामी कैपेसिटर हैं, इसके अलावा ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस ये सब चाइना की हैं, सभी कुछ अच्छी क्वालिटी का है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या आप कुछ प्राइस वगैरह जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें सबसे पहले,
और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको साउंड से रिलेटेड सभी सॉल्यूशन लगभग मिल जाता है, चाहे वो रिपेयरिंग को लेकर के हो या साउंड ऑपरेटिंग को लेकर के हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।